नमस्ते सत्याकाल। आज गौरव चौहान आप सभी के लिए फिर से लेकर आया है वही दिन वही शाम और वही कैरेक्टर अंश राव। जेडी सर के साथ में आज फिर मैं हूँ। आज जेडी सर बात करेंगे कैमरे से और कैमरा करेगा उनसे क्वेश्चन। तो सर आप रेडी है? बिल्कुल रेडी। नमस्कार सत श्री अकाल आदाब आप सभी लोगों को। जी सर, तो सर आज हम बात करेंगे आपके टैलेंट को लेकर कि एक्टिंग से रिलेटेड जो आपने जो कॉपियां करी है एक्टरों की, कई बार शूट पे मुझे देखने को मिलती है, कई बार मैं हैरान हो जाता हूँ कि कहीं ये रोल आप ही का तो नहीं था या पुरन पिछले जन्म के पिछड़े हुए एक्टर तो नहीं है, तो ऐसे फील आ जाते हैं कई बार मुझे। तो आप एक बार जरूर हमें थोड़ा सा दर्शकों को दिखाएंगे कि आप किस तरह से वो एक्टिंग किया करते थे, जैसे नवाजुद्दीन जी की बात करें हम लोग सिद्दीकी जी की, तो एक बार प्लीज़ सर एक बार। जी बिल्कुल, मैं 15 मिनट तक के अपनी सांस रोक सकता हूँ, समझा क्या नहीं यार? मैं मेरे लंबे लंबे नाखून है, मैं मेरे लंबे लंबे दांत हैं, नहीं ना लॉजिकल बात कर रहा हूँ। हाँ, कभी कभी लगता है साला पुनिच पकवान है। ये नवाज सर का कुछ ऐसा करेक्टर है जो मैं करता था। बहुत ही खूब सर, नवाजुद्दीन जी की जो आपने आवाज़ निकाली है ऐसा लग रहा था आवाज़ से कि जैसे वो आप ही की आवाज़ को कॉपी करके बैठे हैं, या फिर आपने उनकी आवाज़ को इतना परफेक्ट कॉपी कर लिया है कि कोई कह नहीं सकता, मेरी पब्लिक नहीं कह सकती कि वो आवाज़ आपकी नहीं है। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं ये सब कॉपी करते हैं, आवाज़ करते हैं, सब निकालते हैं, बट मैं अपनी जगह सोचता हूँ कि हमारा खुद का भी एक होना चाहिए, खुद की एक एक्टिंग होना चाहिए, खुद की आवाज़ होना चाहिए, ताकि हमारी भी कोई आवाज़ निकाले। बट ये सब बहुत ही बड़े एक्टर हैं जिनकी मैं आवाज़ निकालता हूँ, अपने आप में ये बहुत बड़े स्टार हैं। थैंक यू सो मच सर। ऐसी बातें सुनकर ही आपसे हमें खुशी मिलती है कि आप इस तरह की जो आपकी सोच है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो हमें बहुत प्यारी लगती है और हमारे दर्शकों को बहुत प्यारी लगती है। तो सर मैं चाहूँगा कि आप कुछ और एक्टरों की आवाज़ उनकी कॉपी थोड़ा सा करके दिखाएं सर, एक बार प्लीज। श्योर, कंटिन्यूटी में। अच्छा है, भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, इतना रुतबा है, जहाँ जाऊँगा कोई मना नहीं करेगा, बताए इस नहीं संजना। हाँ, कैसे ही इशारे करते हो मजनू। अरे मैं यहाँ पर बैठा हूँ आज, कुछ तो सोच ही रहा हूँ। हाँ, और मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ मेरे मूवी के लोग हैं जिनके बारे में मैं कहना चाहूँगा। कुछ कार्टून्स हैं जिनकी वॉइस होती है, डबिंग होती है, काफ़ी अच्छा लगता है उनके साथ। तो कुछ कार्टून्स की वॉइस है मेरे पास जो मैं कॉपी करता था, डब करता था। देन ये क्या कर रहे हो, ये तो काफ़ी अच्छा है, मैं जा रहा हूँ सुजुका, देखो आज कौन आया है। ओह, तुमने सही पहचाना, मैं आज जानना चाहता हूँ, आज हमारे साथ हमारी वेब सीरीज के डायरेक्टर और उनके कैमरामैन हमारे साथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मोटू पतलू के अंदर मैंने सो मेनी टाइम देखा है कि एक डॉक्टर छटका है, उनका मुझे वॉइस ज़्यादा अच्छा लगता था, उनका कैरेक्टर थोड़ा, और ये एक ही पर्सन ने सबकी आवाज़ कॉपी की थी तो मुझे अच्छा था। ओ यार, मोटू और पतलू मेरे भाई, ओए मेरे प्रा, ओए डॉक्टर झटका का कमाल, ओए यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये मैंने जब भी देखा था, उरी बाबा 20 साल का तजुर्बा है, मोटू पतलू किधर भाग गया, उरी बाबा। ओए मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मोटू पतलू तुम भाग रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। ये उन कुछ कैरेक्टर वहाँ के हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आए। तो सर आज हम यहाँ पर हैं मैजिक बाइट पर उज्जैन शहर के एक कैफे में। ओके, आज हम आपको भी पता है कि इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन आज चल रहा है इंटरव्यू कैमरे की तरफ से, यानी कि आज मेरा फेस आपके सामने नहीं होगा लेकिन आपको मेरे क्वेश्चनों के आंसर देना होंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था आपसे, आपने कभी आपका ड्रीम नहीं रहा कि मुझे फिल्म सिटी या फिर बॉम्बे जैसी जगह पर जाना चाहिए, वहाँ पर कुछ करना चाहिए जाकर, ऐसा कभी मन में रहा आपके? हमेशा से रहा है, बट मैं कहीं चीज़ों के कारण जा नहीं पाया, एंड मैं एक्सक्यूज़ भी नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि क्या होता है, एक्सक्यूज़ देने से बेटर है कि आप वो काम कर लो। बट कुछ चीज़ें थी जो जिनका मुझे सामना करना पड़ा और मैं वहाँ तक नहीं जा पाया। मैं चाहता हूँ कि अब से, आज से
मैं वो सब चीज़ें करूं और मैं उस जगह जाऊं जहां सबके ड्रीम पूरे होते हैं। जिसने अगर वो सपना देख लिया है, वो ड्रीम देख लिया है, तो पूरा होता ही होता है, और अगर आप उसको दिल से करो तो बेहतर है। तो हम भी चाहेंगे सर बिल्कुल कि आप इस उज्जैन जैसी छोटी सी जगह पर और जहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं, एक कैफ़े में रात की 12 बजने वाली है और इस कैफ़े का नाम है मैजिक वाइट, यहाँ पर हम इस समय मौजूद हैं। और क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि उज्जैन शहर से उठना थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि वैसे ही लोगों की ब्रॉड माइंडिंग थोड़ी सी सोच नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि मैं कोशिश करूं और आप इस तरह से अपने आप को आगे ले जाएं, कुछ इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे लोगों की थिंकिंग के बारे में? मैं लोगों से कभी ये नहीं कहता कि उनकी थिंकिंग छोटी है कभी बड़ी है, बट ये है सब अपने अपने अकॉर्डिंग अच्छा सोच लेते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी की परवाह ना करते हुए हम अपनी परवाह कर लें तो बेहतर है, सबसे अच्छी चीज़ें ही वो होती हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। अब आपका लाइफ में डिसीजन खुद लेने वाले होते हो तो आप दूसरे पे क्यों थोपते हो? एक्सक्यूज़ कभी किसी को नहीं देना चाहिए, अगर जो चीज़ आपको करना है वो आप ही को करना है, सो बेटर है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें। बिल्कुल सर, बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, और मैं चाहूँगा कि लोगों की भी यही थिंकिंग रहे, सभी लोग यही सोचें, कोई किसी को ब्लेम ना करें, क्योंकि आपकी लाइफ पे आपके डिसीजन है तो आप ही उस चीज़ के लिए जिम्मेदार है जो भी आपके साथ घट रहा है। इस चीज़ को माने, जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे या कैसे आप उस चीज़ में बाहर निकल पाएंगे? सर एक चीज़ और मैंने देखा है, आप थोड़ा सा कैरेक्टर करना, यानी कि और भी कुछ कैरेक्टर है जो आपके अंदर छुपा, जो बहुत सारे कैरेक्टर हैं बॉलीवुड के जो मैं बहुत ही कॉपी करता था, काफ़ी अच्छा लगता था मुझे वो सब चीज़ करने में, नाउ आई एम सीइंग दैट कि वो मैं करता हूँ, मिरर के आगे भी देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ मुझे। जैसे कि एक कैरेक्टर था बाबूराव गणपतराव आप्टे, ये मस्त रूमा पर है, मस्त, ये राजो, ये बाबूराव गणपतराव आप्टे का कमाल है, ये थैंक यू नक्कर बाबा सामने से खम्बा लाने कर भाई। ये एक मुझे बहुत ही अच्छी वॉइस, उनका एक अलग ही टैलेंट है जो कि मैंने देखा है और हमेशा ये काम मैं करते आया हूँ, मतलब देखा कोई भी एक डिफरेंट कैरेक्टर दिखता था मुझे मेरी लाइफ में, तो ये मुझे करने को होता था, अच्छा लगता था कि हाँ शायद मैं ये कर सकता हूँ, शायद मैं ये कर लूँ, तो ये बहुत ही अच्छा। जैसे हमारे आमिर खान का कुछ पीके का डिफरेंट था तो उनका कैरेक्टर ही अलग था कुछ इस तरह से। हमका ये बात सबको पता है जग्गू, तुम हमका ऐसा टुकुर टुकुर का देखा, हम ही गोला का ना ही है, हम तुमको कितनी बार बता। सो ये कैरेक्टर उनका बहुत ही अच्छा लगा था, डिफरेंट, मुझे मतलब ऐसा लगा था कि ये एक परफेक्टनेस, एक नेचुरल एक्टर ही ये काम कर सकता, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जी सर सब अपनी अपनी जगह पे हैं और करते हैं काम, और मैं भी कुछ इसी मुकाम में आना चाहता हूँ कि मैं भी ये काम करूँ यहाँ पर और अच्छा कुछ करूँ अपनी लाइफ में, कुछ नहीं से तो कुछ सही। अच्छा सर, आपको पता होगा हमारी जो वेब सीरीज आ रही है इसमें एक कैरेक्टर है आर्यन, जिसका रोल उन्होंने, जिनका भी रोल है उन्होंने बहुत प्यारे तरीके से इसको करा है, आप उनकी कॉपी कर सकते हैं, थोड़ी सी कॉपी करके दिखा सकते हैं दर्शकों को? श्योर, वो थोड़ा सा क्रेजी कैरेक्टर है उनका, और वो काफ़ी हद तक के अपना काम कर चुके हैं, डीप में गए हैं उसके अंदर, और कुछ ऐसा कैरेक्टर है उनका, आ गया तू, अब जा गद्दी संभाल, तेरा काम चालू है। तो ये कैरेक्टर उनका है, बट वो बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने ये फिल्माया है उसमें और काफ़ी अच्छा काम किया है। आर्यन अपनी जगह एक अलग ही कैरेक्टर में है, और उनकी मैं किसी भी एक्टर की कोई जगह नहीं ले सकता, क्योंकि सब अपने अपने कैरेक्टर्स अपना अपना खुद का एक होता है। ऐसा ही मैं भी चाहता हूँ कि अपनी लाइफ में मैं भी कुछ ऐसा खुद का कुछ करूँ, और ये तो एक कॉपी जो मैं करता था सब अच्छा लगता था, मुझे पसंद है, थोड़ा बहुत तो मैं कर लेता हूँ। जैसे कि हमारे शाहरुख खान सर हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा तक, मतलब ऑब्वियसली उनको मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जैसे कुछ चीज़ें हैं उनकी, ओजी तानी बट नन नेवर बेयर जी नेवर से गुड बाय अड़िप्पा, ओजी हमेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते हैं जी, तो ये कुछ उनकी आवाज़, उनके कुछ कैरेक्टर डिफरेंट है, अच्छा लगता है मुझे। हाँ जी, और हमारे कुछ पुराने सर है जैसे ओम प्रकाश जी,
उनकी भी कुछ वॉइस मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, मैं उनको भी कॉपी करता था। कसम भगवान की कसम, भोलेनाथ की भगवंती की मैं सुनती हूँ, आज क्या हुआ है। तो ये सब ऐसे कुछ कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद है, मैं निकालता था मैं सारी ये सब वॉइस। जब मन होता था, जब मूड अपसेट होता था, तो मैं यही ट्राई करता था कि कुछ नया करूँ। और अभी तक के जैसे देखें कि बोमन ईरानी सर हैं, जो वायरस का उन्होंने किरदार निकाला, मतलब निकाला था उसमें एक थ्री इडियट मूवी में, जिनको सब स्टूडेंट वायरस करके बोलते थे, तो वो भी ऐसे ही था। तो उसमें आमिर सर कुछ इस तरह से बोलते हैं, बचपन से चाहता था कि यहाँ पढ़ूँ, आज पढ़ रहा हूँ तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो सर का कुछ जवाब इस तरह से होता था, तुम मुझे सिखाओगे, मैं इसी वक्त तुम्हें रस्सी कैस कर सकता हूँ, यू 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 उछांचल का साथ छोड़ दो, राजू और फरहान दो ही मेरे ऑफिस में आओ इसी वक्त। तो ऐसे कुछ में जिन्होंने अपने खुद इन्होंने डीप में जाके करे हैं एंड काम किया है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया है सब चीज़ देख के। नाउ आई एम वर्किंग द सेम थिंग, कि मुझे अपना एक खुद का मेरा इसमें एक करेक्टर है जो मैं खुद कर रहा हूँ, ना कि किसी की कॉपी है इसमें, ये खुद मेरा है। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी पब्लिक है वो पसंद करें, ये एक एंटरटेनमेंट है और वो देखें, तो मुझे बहुत ही खुशी होगी कि मैं कहीं तो आया। बिल्कुल। तो सर, तो पब्लिक आप समझ गए होंगे कि एक्टर सर का जिस तरह से कहना है कि Neo-Flix पर जो पहली वेब सीरीज आने वाली है, एक मूवी आने वाली है, लाइफलाइन अ सिटी ऑफ एडिक्शन, इसको जरूर देखिए, इसको जरूर देखिए, क्योंकि इसमें उन्होंने बहुत प्यारा रोल निभाया है, साथ में उनके को एक्टर एक्ट्रेस और जितने भी विलन हैं सभी ने बहुत प्यारा रोल निभाया है। मैं चाहूँगा सर एक एक लाइन आप सभी के लिए बोले। सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के बारे में बोलूँगा, टीम बहुत ही अच्छी है मेरी, और इस टीम में एक्ट्रेस ने बहुत ही अच्छा काम किया है। मेरे विलन जो फ्रेंड्स हैं जितने भी हैं, उन्होंने बहुत ही हार्डवर्क किया है, काफ़ी हद तक के उन लोगों को भागना पड़ता है, धूप में रहना पड़ता था, बहुत मेहनत की है उन लोगों ने। इवन जो एक्ट्रेस है उन्होंने भी काफ़ी अच्छे एक्शन किए मूवी में और बहुत ही अच्छा काम किया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ टीम इंडिया, आप देखो और हमें बताओ अगर कुछ ऐसा होता है, तो ये सब आप ही के लिए एंटरटेनमेंट है, फुल ऑन एंटरटेनमेंट। आप लोग हमसे प्यार करेंगे तो बात ही कुछ और होगी, हम कहाँ होंगे, और हम तो आपसे प्यार करते ही हैं। जनता जनार्दन है। चलिए इसी के साथ इस इंटरव्यू को हम यही वाइंड अप करते हैं और फिर मिलते हैं इसी की अच्छी टॉक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद सर, सत श्री अकाल, आदाब।